आज के दिन हम सब जा रहे हैं हमारे कॉलेज, क्योंकि जो हमारा जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आ चुका है और जिसमें हम सब लोग अच्छे नंबर से पास हो चुके हैं। अभी सेकंड ईयर शुरू हो चुका है तो आज एक दो दिन हमें लेट हो चुके हैं, थोड़ा मुझे पर्सनल थोड़ा काम था एक दो दिन हम थोड़े लेट हो चुके हैं, लेकिन आज के दिन हम जा रहे हैं और अभी कल से क्लिनिकल पोस्टिंग और लेक्चर्स वगैरह सब कल से अटेंड करेंगे। अभी हमारे स्टेशन पहुँचने में 10-15 मिनट की देर है। हाँ, एक बात बता दो कि लास्ट वक्त मैंने कितने 4 मंथ हो चुके हैं शायद, लास्ट वक्त मैंने शायद से 4 मंथ हो चुके हैं। 4 मंथ पहले मैंने जो ब्लॉक की एंडिंग की थी वो भी ट्रेन से की थी, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो ना अभी ब्लॉक की शुरुआत ट्रेन से करते हैं और अब से रेगुलर ब्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि हाँ मैं हर बार बोलता हूँ कि अभी ब्लॉगिंग कंटिन्यू करेंगे, रेगुलर करेंगे, लेकिन थोड़ा दिक्कत आ जाती है। इस बार मैं रेगुलर ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। I'm messed up in the worst way. Don't feel like it could take on the world and make it better. What good could I do? मैंने बताया था कि मैं हूँ और मेरे साथ है मेरा एक प्यारा सा फ्रेंड और एक और फ्रेंड, हमारा ट्राई हो है तो हम साथ में ही जाते हैं, साथ में आते हैं और अभी इतना ज़्यादा सामान लेके जाना है। बोलो जुबान केसरी। मेरा जो स्टेशन है अभी तो सिर्फ 5 मिनट में ही आने वाला है। ज्यादा सामान है तो आगे का शायद मेरे पास बहुत ज्यादा वजन होगा तो मैं शायद ब्लॉग ना कर पाया। तो 2 days later कल हॉस्पिटल में भी पोस्टिंग थी, उसके बाद लेक्चर्स थे और मैं 2 महीने के लिए घर पे था और घर से यहाँ पे आपको हॉस्टल या फिर कॉलेज में रहते तो मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव शेड्यूल हो जाता है लोड। वैसे अभी मैं पढ़ रहा था फिजियो याद आ रहा है, आज अभी फिजियो तो खत्म हो गया, फर्स्ट ईयर हो गया। तो मैं पढ़ रहा था पैथोलॉजी का, क्या पढ़ रहा था गाइस, हाँ याद आ गया। गाइस पैथोलॉजी का हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर में पढ़ रहा था थ्रू मेरो और हाँ मेरो से याद आया कि मेरो वालों ने कुछ मेरो वेलकम मेरो वेलकम किट कुछ है, वो मुझे भी पूरा नाम तो मुझे नहीं पता। तो हाँ मेरो वेलकम किट करके कोई पार्सल भेजा है तो उसे भी हमें अनबॉक्सिंग करना है, देखना क्या क्या चीज़ है। और भाई अभी 12 बजे हमारा लेक्चर है और बाकी तो मैं हाँ बुक्स के बारे में बताऊँ तो देखो एक मिनट बुक्स के बारे में बताऊँ तो फार्माकोलॉजी में मैं KD त्रिपाठी यूज़ करने वाला हूँ एंड माइक्रोबायोलॉजी में अपूर्व शास्त्री की बुक पढ़ने वाला हूँ एंड वन ऑन ओनली पैथो में मैं यूज़ करने वाला हर्ष मोहन। गाइस ये जो बुक है वो मेरी नहीं है, मतलब मैंने सीनियर भाई से ली है और देखेंगे कि अभी बुक उसे अच्छे सभी पहले ट्राई करेंगे, देखेंगे कि जो बुक मुझे अच्छे मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लगी वो बुक मैं बाद में परचेज करूँगा। अभी तो मैं जस्ट देख रहा हूँ कि कौन सी बुक अच्छी रहेगी मेरे लिए। गाइस यहाँ पे किशन पढ़ रहा है, दीव भी पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे नवनीत जो है वो यहाँ पे शूज की शॉपिंग कर रहा है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पैसे है, पैसे थोड़े दे देना। स्टार्ट करो। अभी PSM का लेक्चर है, प्रिवेंशन एंड सोशल मेडिसिन। ये लेक्चर हॉल यहाँ पे सब खाली, आगे भी सब खाली। सो गाइस दिस इज रील चैलेंज और जिनकी रील में सबसे पहले गर्ल आएगी वो बंदा एलिमिनेट हो जाएगा। स्ट्रीमिंग है भाई। देखो अभी सब पास। ओ भाई हम ना सलमान भाई से चलो तो वो टेन आवा फेरो
चलो आउट 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 नहीं आउट चलो अभी दो बच्चे चलो। लेकिन लेक्चर शुरू होने की वजह से चैलेंज कंप्लीट नहीं हो पाए, सो विल ट्राई इन फ्यूचर। The next day. तो आज के दिन हम इस बॉक्स का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसको, मतलब इसको कहते हैं कि मेरो वेलकम किट करके बोलते हैं, और जो लोग मेरो के मार्वेल होते हैं उन लोगों को एक गिफ्ट मेरो भेजती है। आज का अनबॉक्सिंग यूनिक है क्योंकि ये चीज मुझे फ्री में मिली है। अगर मैंने कुछ खरीदा है पैसे देके तो उस चीज का अनबॉक्सिंग में इतना ज्यादा मजा नहीं आता, फ्री की चीज होती है उसका अनबॉक्सिंग में बहुत ज्यादा मजा आता है। सो अभी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो गाइस काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पे बॉक्स का हमने जो पैकेजिंग है वो निकाल दी। सो अभी मैं, मुझे तो सब पता चल गया क्या है, लेकिन चल तू बता क्या हो सकता है इसमें। स्टडी मटेरियल होगा भार्गव, क्या कहना है तेरे को? नोट्स वगैरह हो गया। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं, क्या निकाले चलो ना, सबसे पहले एक शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे एक बुक निकली है, ये भी देखेंगे भाई। जो भी बुक लेटर भेजा है जिसमें लिखा है कि डियर स्टूडेंट, लिखा है कुछ पढ़ेंगे बाद। पानी पीने के लिए पानी की बोतल होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास पानी की बोतल भी नहीं थी तो मेरे वाले ने मुझे पानी की बोतल फेंक दी, सो थैंक यू मेरो। और अभी ये क्या है, एक सो पीस तो कह सकते हैं, लेकिन ये मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब वो पेपर स्टोन होता है ना, ये लग रहा है पेपर स्टोन है एक। और भी दूसरी इस एक कुछ है भाई, क्या है, टाइम लग, मतलब अलार्म वगैरह कुछ लग रहा है, क्या है भाई? अच्छा एक वॉच है कि जिसमें टाइम बता सके ताकि आपका सही समय हो, लेकिन मेरा टाइम तो हमेशा गलत ही होता है। तो गाइस उसके बाद ये मेरे वाले ने दी है एक यहाँ पे शानदार सी पेन, और यहाँ पे लिखा है मेरो मार्वल, मतलब जो मार्वल होता है उन लोगों के लिए स्पेशल किट होती है। सो यस, और अभी एक लास्ट चीज है जो कि है एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जो कि है एक बोट के हेडफोन। और ठीक है अभी मेरे पास तो वैसे तो ईयरबड्स है, लेकिन अगर कोई फ्री में दे तो ले लेना चाहिए ऐसे। सो गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और टू के नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस। उड़े ये तो आसमान में उड़े, चिड़िया नहीं ये कोई लकड़ी, उड़े ये जितना भी तेज उड़े ट्रैफिक पुलिस इसे नहीं पकड़ती।